हाँ हेलो, बताओ। सर यस सर हेलो हेलो यस हेलो। सर हाँ बोलो। हेलो बोलो, एग्जांपल बताओ। अच्छा ठीक है, हम बोले शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, सत्यम बताए। हाँ फिर तो ऑलरेडी बता सकते हो, बताओ। सर, नॉन मेटल्स का एग्जांपल हाँ सर, हाँ हीलियम, हीलियम हीलियम। ओके हीलियम सिंबल इज सिंबल एटी। ओके चलो, एच ई सर, ये फिर लिथियम ठीक है। बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल होते हैं, तुम लोग तो याद है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर सब तो नोट डाउन कर लिए, हाँ सर, हो बहुत गया। है। चलो किसी तो डाउट रहा तो बोलना, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। सर एक बार पहला पेज दिखाइए ना। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऐसे बन। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मेटल व्हिच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर कॉपर, सर सिल्वर। आई एम गेटिंग टू आंसर्स, वन इज केलिन कॉपर, अनदर वन इज केलिन सिल्वर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हिच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर और सिल्वर? सर सिल्वर, सिल्वर सिल्वर होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, एंड सिल्वर इज द राइट आंसर। होते हैं दो वी यूज कॉपर वायर्स फॉर द कंडक्ट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सिल्वर इज द बेस्ट। होते हैं वी यूज कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। कॉपर का कॉस्ट सिल्वर का कॉस्ट से थोड़ा कम होता है, ठीक है। सिल्वर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बस इसीलिए हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है। पर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। ओके हीट एंड सर, इलेक्ट्रिसिटी बोथ, सो योर आंसर इज सिल्वर। नोटेड डाउन। डन ओके एनी वन हैविंग एनी डाउट? नो सर। सर कैन बी ऑल्सो राइट कपर रिपीट सर, विद द आंसर सिल्वर कैन बी ऑल्सो राइट कॉपर। प्लीज। नो, अदर बेस्ट पूछ रहा है ना, बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर के लिए हम लोग सिल्वर लिखेंगे। ऐसे तो हम लोग बोल ही सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कॉपर के थ्रू पास होता है, लेकिन बेस्ट पूछेगा तो बेस्ट का आंसर होता है ओनली सिल्वर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। राइटिंग डाउन क्वेश्चन लिखना है बेटा, ठीक है। कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर बताते चलना है। क्वेश्चन तो नोट हाँ डाउन सर, कर। लिख रहे क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन तो भी लिखना है फिर आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेम द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर।
मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स, वायर में तन्वर तलने वाला प्रॉपर्टी कौन सा था? मैलियबल नो, सर, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, वेरी गुड, डक्टिलिटी डक्टिलिटी। मैलियबल प्रॉपर्टी कौन सा था? थिन, सर, यस, वेरी इनटू गुड, इनटू थिन सीट्स वाला था। ठीक है, जो मैलियबल प्रॉपर्टी है उसका मतलब है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, बट डक्टिलिटी मींस मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, दैट इज डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, दैट इज डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, सो द प्रॉपर्टी इज डक्टाइल प्रॉपर्टी। यू कैन सी इट इज डक्टाइल प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी। गॉट इट? किसी को डाउट है? मुझे नो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन है? चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ के बताओ तो बताओ। मोस्ट मोस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन है? कौन सर, गोल्ड बोले आंसर? सर, वसु सत्यम वसु सत्यम। ओके, वेरी गुड, गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। ठीक है, चलो नोटेड डाउन, लिख लिए सब कोई? ओके सर, हो गया। ओके, बच्चों किसी का भी, जो भी नए बच्चे हैं सब तो बता रहे, तीस का छूटे तो बोलना। ठीक है, कोई ऐसा मत बनना कि नहीं हुआ होता और आगे बढ़ जाए। शालिनी, अंशा, सुश्री सब तो बन चुका है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, नेम द सर, गैस। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देंगे? मैंने लिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर टू, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। डन सर, थैंक यू। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पर थे, फोर पे थे, फोर। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। चलो बताओ। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, दैट्स वेरी गुड बेटा। दैट्स मीन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एनी एसिड इट प्रोड्यूस, वी नो दैट इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, दैट इज H2 इन गैसियस फॉर्म इट विल लिबरेट। सर, हाँ, नहीं मतलब साल्ट में भी होता है प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है बेटा, बोला और एक बार। सर, आई गेट कंफ्यूज्ड नाउ, आई अंडरस्टैंड। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो। सर, पहले कंफ्यूजन हो रहा था वो उसमें साल्ट और हाइड्रोजन में, तो फिर अभी पता चल गया, समझ में आ गया। कंफ्यूजन अच्छा, नहीं, हाइड्रोजन सॉल्ट तो प्रोड्यूस हटा हो रहा, सॉल्ट प्रोड्यूस होने के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। चलो तो एक एग्जांपल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो मेटल लिए, सपोज सपोज मेटल लिए जिंक, और एसिड लिए हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, सो इट विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सर, एसिड क्या लिए हैं? एसिड लिए हैं डाइल्यूट
hydrochloric acid. This is dilute. This is dilute hydrochloric acid. ठीक है, कभी कोई बोल पाओगे यहाँ पर सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा, विच सॉल्ट विल प्रोड्यूस? एनीवन, विच सॉल्ट विल प्रोड्यूस हियर व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद HCl? व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद HCl विच सॉल्ट विल प्रोड्यूस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन? विच सॉल्ट? एनीवन? अच्छा चलो, ये वाला रिएक्शन तुम लोग किए हो, ये जरूर किए थे, भूल चुके हो। चलो मैग्नीशियम सर, जिंक, सोडियम, जिंक सोडियम, नहीं नहीं जिंक सोडियम कहाँ से मिला बेटा, यहाँ पर सोडियम सर, जिंक एंड हीलियम, नहीं चलो जिंक और रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड से बीच में, ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन फ्लोराइड से बीच में, तो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? जिंक फ्लोराइड। यस, वेरी गुड, जिंक फ्लोराइड, ठीक है, जिंक फ्लोराइड। जिंक फ्लोराइड का फॉर्मूला सर ZnCl, सत्यम, जेडेन सीएल इज द रॉन्ग आंसर। ओके सर, सो व्हिच वन विल बी द राइट आंसर? यू आर वेरी क्लोज सत्यम, यू आर वेरी क्लोज, नाइस ट्राई, वेरी गुड। इट विल बी जस्ट टू हियर, जेडेन सीएल टू। ओके सर, बेटा जेडेन सीएल टू होते। ओके सर, सर कैन यू एक्सप्लेन? हाँ पूछो, क्या बोल रहे हो? सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज Cl2? डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। ओके, लुक एट हियर, लाइक हियर Zn Cl2, सिमिलर हियर इट विल फॉर्म MgCl2। ओके, नाउ व्हाई दिस जिंक फॉर्म जिंक Cl2, व्हाई दिस Mg फॉर्म MgCl2? द रीजन बिहाइंड दिस इज हियर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन सिंपली। ओके सर, तो देखो हम लोग बैलेंस करेंगे इसमें, तो आते हैं इसमें, ओहो कौन सा था, यही वाला था ना, अच्छा सारा सारा डिलीट हो गया, देखो जल्दी से चलो वापस से लिखते हैं, जीन प्लस, अभी डाइल्यूट नहीं लिखे हैं, बैलेंसिंग करना है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको लिख दिए, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2। अभी देखो अगर हम लोग मान लो सरल लेना है सर, ये बैलेंसिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, अगर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो जाकर ये जो आंसर तुम लोग बोल रहे हो ना कि ZnCl2 क्यों आया, वो बैलेंसिंग से लिया आएगा, ठीक है, बिकॉज जिंक का देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है सर? टू। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है? सर वन। वन, तो हम तो दो हाइड्रोजन एटम चाहिए ना, तो दो हाइड्रोजन एटम कहाँ से आएगा? टू पहले बैठा देंगे। हाँ, यहाँ पर टू बिठा देना है। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाँ सर, हो गया। अब देखो Cl कितना बन गया, यहाँ पर Cl भी दो एटम बन गया, तो जिन के साथ कितने Cl आएंगे? दो Cl आएंगे सर, टू। हाँ सर, ठीक है, जो पूछे थे बच्चे उनका क्लियर है? नो सर। डाउट है? नो सर। अच्छा नहीं, शालिनी शायद आज पूछे थे, आप तो क्लियर हुआ बेटा? यस सर। और सुश्री आंसर? यस। कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, देखो सिंपल वे में वही होगा मेरा, यहाँ पर भी मैग्नीशियम प्लस HCl, तो ये मेरा क्या प्रोड्यूस हुआ था? MgCl2 और साथ ही साथ होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दो है, इसलिए यहाँ पर हमें कितना बिठाना पड़ेगा?
दो बिठाना पड़ेगा। जैसे ही दो बिठा दिए सीएल भी दो बन दिया, तो एमजी के साथ कितना सीएल आएगा? दो सीएल आएगा। हाँ सर हो गया। ओके तो व्हिच गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स? ना आंसर इज हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। नो नोट डाउन कर लिए? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो राइट डाउन करो। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? सर ग्रीन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर? वेरी गुड, दैट इज ग्रीन। सर ग्रीन। ग्रीन, देखो ग्रीन कलर से हम इसलिए लिख दिए। आंसर इज ग्रीन, कलर इज ग्रीन। ओके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, सॉरी तुम लोग की गलती बताई, कॉपर सल्फेट इज नॉट ग्रीन। ओ कॉपर सल्फेट इज नॉट ग्रीन सर, ब्लू। यस यस कॉपर सल्फेट इज ब्लू, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ग्रीन किसका कलर होता है? फेरस सल्फेट का। ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन होता है फेरस सल्फेट का, दैट इज FeSO4। बट कॉपर सल्फेट का होता है ग्रीन ब्लू, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। वेरी गुड, CuSO4। सो CuSO4 इज ब्लू एंड ग्रीन इज FeSO4। क्वेश्चन नहीं तो आंसर भी तो जल्दी से। हो गया? नहीं सर एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, आराम से ठीक है। और बाकी स्टूडेंट को पता नहीं है अभी क्लास था सर? सुबह जो टाइमिंग था उसमें नहीं था, उसके बाद अभी पता चला कि अभी केमिस्ट्री क्लास है सर। अचानक से आया आया था इसलिए सर सुबह बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर हो गया, लिख लिए। हो गया होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। स्टेट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। कौन सा ऐसा स्टेट होता है, मतलब स्टेट नहीं मतलब नेचर कैसा होता है? स्टेट द नेचर नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? सर नहीं पता। ठीक है किसी को पता है? और चलो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? सर एसिडिक। वेरी गुड बेटा, थ्री आंसर, वेरी गुड, एसिडिक। नॉन मेटल्स ऑक्साइड का जो नेचर है इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी यहां पर एक बात और याद रख लेना, मेटल ऑक्साइड्स, जो भी मेटल ऑक्साइड्स है वो मेरा होता है सब बेसिक इन नेचर। हाँ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। फाइव नंबर पेज दिखाए ना, कौन सा पेज?
सर फाइव फाइव ये रहा से हो गया ठीक है। देखो तो क्या बोले थे, हाँ नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मींस नॉन मेटल ऑक्साइड्स में एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, मेटल ऑक्साइड्स में बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अभी बताओ कि हम लोग ये एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि नॉन मेटल्स में एसिडिक प्रॉपर्टी था, मेटल्स में बेसिक प्रॉपर्टी था। एनी आइडिया? आइडिया तो आप लोग के पास है, सिर्फ याद करो थोड़ा, तुम लोग याद करो। सर एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, वेरी गुड, एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस रेड। दैट मीन नॉन मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग ब्लू लिटमस ले ले, इसमें अगर ब्लू लिटमस ले ले, इट विल टर्न्स टू द सर ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। इट विल टर्न्स टू द रेड लिटमस। वेरी गुड, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। और सिमिलरली उल्टा क्या होता है, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बेसिक है, ये क्या करेगा, लिटमस चेंज इनटू ब्लू। यस, दे विल चेंज रेड लिटमस इनटू सब ब्लू। ब्लू, दे विल चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, एसिडिक और बेसिक प्रूफ करने का एक और प्रॉपर्टी है। याद करो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, एसिड और बेस के बीच एक रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको सर, न्यूट्रल। न्यूट्रल, वेरी गुड, दैट इज हम लोग वहां पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, हाँ या ना, सब कोई पढ़े थे, याद है? यस सर। सर एसिड एंड बेस रिएक्ट्स एंड सॉल्ट प्रोड्यूस। वेरी गुड बेटा, तो एसिड और बेस सर रिएक्ट करेगा, हाँ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड सर वाटर। वाटर, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन मेटल हिस्सा आ गया, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड अगर एसिड है, तो अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्शन के बाद, आफ्टर द रिएक्शन विद बेस, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वाटर, अगर ये बेस के साथ रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया, दैट मींस इट वाज एसिड, अगर नहीं प्रोड्यूस किया, दैट मींस इट वाज नॉट एसिड। क्लियर है, क्लियर है बात को? अगर नॉन मेटल ऑक्साइड हम लोग बोल रहे ये एसिड है, ठीक है, अच्छी बात है, तो एसिड का मतलब होता है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो अगर वो एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर फॉर्म करेगा, फॉर्म किया मतलब वो एसिड है। सिमिलर हम लोग बेस के लिए भी यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के लिए भी प्रूविंग वही होगा। क्लियर है, डाउट है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन लिखे, वो वाटर होगा कि हाइड्रोजन? ये वाटर होता है, एसिड प्लस बेस अगर मिला देंगे तो सॉल्ट और वाटर होता है। यस सर। और वो रिएक्शन अलग था, वो रिएक्शन था मेटल प्लस एसिड, देखो वो रिएक्शन था मेटल प्लस एसिड देन सॉल्ट और हाइड्रोजन था, मिक्सअप मत कर देना बेटा, ठीक है, वो मेटल और एसिड का रिएक्शन था, ये मेरा एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है। तो चलो एग्जांपल देते हैं, देखो एक नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, चलो नॉन मेटल कौन है हम तो पता है, नॉन मेटल मेरा सल्फर है, तो सल्फर का ऑक्साइड मतलब SO2, ठीक,
अब ये सल्फर का ऑप्शन रेशो टू, इसके साथ एक बेस का रिएक्शन करवाते हैं। कॉमन बेस कौन सा होता है, एक कॉमन बेस का नाम बताओ। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो सर, इन्हें हो हाँ इन्हें हुई। तो एसिड एंड बेस इट विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर तो चलो हम लोग यहाँ पर बिठा दिए, वाटर तो प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट क्या होगा देखो। ये सॉल्ट प्रोड्यूस होगा Na2SO3। सीधे SO3 क्यों Na2SO3 सर, सल्फर का तो SO2 है ना। ये बैलेंसिंग के लिए बेटा, यहाँ पर जैसे सोडियम दो आ चुका है ना, यहाँ पर हाँ दो बैठेगा, अब दो बैठेगा तो सबको चेंज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये फॉर्म होता है Na2SO3। ओके इट इज कॉल्ड सोडियम, सर, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। सो इससे हम तो ये पता चल रहा है कि हाँ जो मेरा नॉन मेटल तो ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्शन से पास जो मेरा ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स मीन वो मेरा एसिडिक नेचर है। हम लोग इस हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं और इस हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं, वो भी बताएंगे। तुम लोग पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और इसमें किसी तो डाउट है तो पूछो, किसी को भी वापस से समझा देंगे। सिंपली अगर एसिडिक नेचर बोल रहा है मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराना है, बेसिक नेचर बोल रहा है मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, और इन बोथ दी केस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इन बोथ दी केस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सर हो गया, नोट डाउन हो गया। ठीक है बाकी नोट डाउन कर लो, सबके सबके बेटा का रिस्पांस करो, हो गया एवरीवन। सर हो गया, ठीक है सब तो हो गया ना, बोले किसी तरह रैंक नहीं दिया क्योंकि हम इसको मिटा देते फिर नहीं मिलेगा, ये बता रहे होते सर हो गया। हैं। चलो इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ मिटा देते। देखो अच्छा, और क्या प्रोसेस होता है देखो, ये रहा नॉन मेटल ऑक्साइड SO2। अब नॉन मेटल ऑक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो ठीक है, उसको क्या करना है हम लोगों को, वाटर में डाल देना है। ये तो बीतल ले लो, बीतल में वाटर है इसको इसमें डाल दो। तो SO2 और वाटर मतलब नॉर्मल SO2 कौन से मतलब एलिमेंट का नाम है सर? कौन सा, SO2 का मतलब कौन से एलिमेंट का फॉर्मूला SO2 है? ओके सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड, सर। सल्फर नॉन मेटल बताए ना तुम लोग में से कोई, ये एग्जांपल हाँ दे। सर। तो देखो SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ठीक है, तो
it will form H2SO3. Simply add कर दो देखो H2 SS O2 और O मिलाकर SO3 ठीक है H2SO3. What is the name of this compound? Anyone? Do you know what is the name of this compound? This is sulfur hydroxide. No, this is sulfurous acid. Sir, sulfurous acid. Yes, okay. This is sulfurous acid. तो देखो जब नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया ना वो एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसी से पता चल रहा है कि SO2 का नेचर क्या है, एसिडिक है. वाटर में डालने से वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. अब बोलो दीदी सर ये एसिड प्रोड्यूस हुआ या बेस, हम तो कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर तुम लोग पहले ही दे चुके हो. क्या करना है, क्या करना है बताओ सर? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर डाल देना है. ब्लू लिटमस डाल दो सर, रेड हो जाएगा. ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो ये मेरा एसिड था और ये होता भी है. यस सर. ठीक है, सो यू हैव टू ऑप्शंस. वन इज एडिंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स इनटू वाटर. Another is reaction between non-metal oxides and a base. Okay, whichever which one is suitable to you, you can write. जो भी तुम तो इसी लगे, जो याद रहे, तुम लोग लिख सकते हो. दोनों टाइप बता दूँ. इसी से डाउट है तो बेटा पूछ लो, बार बार बता दूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में बोलो तो कि सर समझ में नहीं आया. नहीं सर, आ गया. हाँ, तुम तो आ रहा है, बाकी बच्चे लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मिस के पूछ रहे. सब तो समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, यस सर. ठीक है, बहुत है, वेरी गुड. सब चलो लिखो, इस तो भी नोट डाउन करो जल्दी से. सर हो गया नोट डाउन. ठीक है, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. Which metal is stored in kerosene? Very simple question. Which one? Sir, sodium and potassium. Very good. Sodium and potassium. मतलब ये भी तो एक question हुआ. ये तो तुम लोग एकदम leaves में होना चाहिए. क्योंकि air के contact में आने से fire catch कर लेता है. Yes, very good. Because sodium और potassium जो है ना, अगर हम लोग open air में रख, ये मान लो this is sodium. तो ये ओपन एयर में आने से क्या होता है, ओपन एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, उसके साथ ये रिएक्शन करने लगेगा और बहुत विगरस रिएक्शन करता है. ठीक है, एंड इट विल कैच फायर. ये आग लगा देगा पूरा. ठीक है, ये पूरा फायर कैच कर जाएगा. बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केरोसिन का एक जार लेते हैं, केरोसिन का जार, और इसमें सोडियम मेटल्स ऐसे, पोटेशियम मेटल्स ऐसे डिपॉजिट किया हुआ रहता है. सर लेकिन केरोसिन में तो आग अच्छा से जल्दी पकड़ लेता, तब मतलब ऐसे रखने पर नहीं पकड़ता है? नहीं 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 बेटा, वो हम लोग जैसा केरोसिन घर में रखा हुआ है वो आग पकड़ता है. हम तो उसमें फायर लगाना पड़ता है. यस सर, हम तो उसमें फायर लगाना पड़ता है. ये आएगा, ये तीन मतलब 8 में हो ना, वो लास्ट में देखना चैप्टर आएगा. अभी चिंता मत करो, कोल एंड पेट्रोलियम आएगा, वहां पर हम लोग पढ़ाएंगे. उसका एक बर्निंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट के लिए हम लोग इसको फायर करते हैं केरोसिन को, तब जाकर ये बर्न फायर कैच करता है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि सोडियम या पोटेशियम ओपन एयर में ही ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करने लगता है और वो फायर कैच कर जाता है. ठीक है सर, एक और डाउट है. हाँ बोलो. मतलब अगर कोई खुला बकेट में या फिर कोई टब में अगर हम केरोसिन डाले, उसके अंदर अगर खुला सोडियम पोटेशियम डाल दे तब मतलब फायर कैच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये मान लो टब है ना. है तो केरोसिन क्या कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है. ये रहा एयर और ये रहा सोडियम पोटेशियम, तो इसके बीच में ये बैरियर क्रिएट कर रहा है. तो बैरियर क्रिएट करने से क्या हो रहा है, तो ये सोडियम और पोटेशियम आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एयर, नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू एयर,
दैट्स व्हाई दे आर सेफ. ओके सर. ठीक है, इसी पे डाउट है इस टॉपिक में. इतनी तेरे सिद्धांत रखा दिया, जस्ट बिकॉज कि वो एयर के साथ डायरेक्टली एक्सपोज ना हो जाए. एयर के साथ जब भी रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है. इट विल एक्सप्लोसिव रिएक्शन. ठीक है, एक्सप्लोशन होता है, फायर कैच कर जाता है लाइक. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो क्या बोला, नोट डाउन करो क्वेश्चन. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय व्हिच. नेम द प्रॉपर्टी. सेवन नंबर लिखा नहीं. और एक बार बोलो सर. सेवन नंबर शो कर देंगे. ये रहा. हाँ सर डन. Eight. Name the property of the metal by which it can be drawn into thin sheets. Sir, malleability. हाँ सही है, सारे बच्चे आंसर सही आंसर दिए सारा कोई. उसी टाइम पे बताए थीन सीट्स. थीन सीट्स का मतलब malleability. और थिन वायर का मतलब था डक्टिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें देखते नेम द प्रॉपर्टी तो कौन सा प्रॉपर्टी, मैलिएबल प्रॉपर्टी. ठीक है, मैलिएबल प्रॉपर्टी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What happens when sulfur reacts with oxygen? Very good. Sir, can you please? I don't write the question number 8. Okay, write down. Thank you, sir. Okay, write it down. Thank you, sir. You're welcome. लिखो क्वेश्चन पहले. व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. सर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. सर सल्फर डाइऑक्साइड. सही. तो सल्फर ऑक्साइड. सल्फर ऑक्साइड. अच्छा सर सल्फर डाइऑक्साइड. अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड. Sir, sulfur dioxide is formed. Sulfur dioxide. Sir, 8 number. 8 number. Actually, the video is back. Right? 8 question. Yes, sir. 8 number, batai na. Number 8. Yes, sir. This is number 8. सर जब सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है. हाँ सल्फर डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, जितने भी बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड बताए थे सब करे. ठीक है, नॉट सल्फर ऑक्साइड, दिस सल्फर डाइऑक्साइड. डन डन. ओके चलो देखो. जो बच्चे बोले ना सल्फर ऑक्साइड, इसको थोड़ा सा सिर्फ कलेक्शन करना है. थोड़ा सा कलेक्शन ये करना है, सल्फर ऑक्साइड नहीं बोलना है. ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बोल सकते हो.
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बोल सकते हैं, लेकिन सल्फर ऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब कौन सा ऑक्साइड सल्फर का फॉर्म हुआ ना, ये फॉर्म हुआ देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म हो रहा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछता है, मान लो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट पे है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, इट विल अगेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचा रहा था उसके साथ। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, वन सल्फर, टू ऑक्सीजन, लेकिन मान लो सपोज कि बहुत सारे ऑक्सीजन है, इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन बचा हुआ, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, तो ये बोल सकते है, तो बोल पाओगे क्या फॉर्म होगा? सर फिर से बोलिए ना, आपका आवाज ठीक से नहीं सुनता। हम बोल रहे हैं कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक सर, ठीक है, आई थिंक सबको यहाँ पर क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो फॉर्म हुआ, ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर से क्या करता है ना, फिर से एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब बताओ कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तब क्या फॉर्म हो सकता है? SO4। सर SO4। SO4, SO4, और कुछ? नो, देखो, इट विल फॉर्म SO3। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन है, तीन के लिए हम लोग बोलते हैं ट्राई, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर लेकिन वो तो SO2 है, O का 2 है, एकदम प्लस 2, तो 3 कैसे? अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 2 बिठा दो, यहाँ पर 2 बिठा दो, अब काउंटिंग करो, तो दो सल्फर, दो सल्फर, ऑक्सीजन कितना हुआ देखो, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, और यहाँ पर 3 × 2 = 6। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट पहले आता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हम लोग बैलेंसिंग करके देखते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है SO2 + O2 SO4 लिख दिए, यहाँ पर SO + O2 SO2 लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग तो जरूरत नहीं होता, ऑटोमेटिक वो कंबाइन करता है, बट यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंबाइन होने के बाद भी SO4 नहीं बनाता है, ये बनाता है SO3। अब हमको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे बनाएगा, तब हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग कर दिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है, राइट डाउन करो, कोई डाउट है तो पूछो, राइट डाउन करो। सर मतलब कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट निकले उसके बाद बैलेंसिंग करके देखना होगा पहले? ये तो अगर तुमको पता है कि यही प्रोडक्ट होता है तो बैलेंसिंग नहीं करना है। ठीक है सर, कभी नहीं मिस कर दो बेटा। सर हो गया, ठीक है, बाकी बच्चों का भी हो गया? हाँ सर, चलो बहुत अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच नॉन मेटल कैच फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर? सर सोडियम। नॉन मेटल पूछा है बेटा, ओके सर, यू आर आंसरिंग
अबाउट मीटर सर फास्फोरस फास्फोरस प्रतीक शर्मा वेरी गुड फास्फोरस फास्फोरस दैट इज पी फास्फोरस दैट फायर इट इज पुश टू ओपन हियर ठीक है चलो इसमें रिएक्शन याद रख लेना ठीक है फास्फोरस जो है फास्फोरस तो ऐसे लिखा जाता है रिएक्शन जब होता है ना तो फास्फोरस तो ऐसे लिखा जाता है पी फोर ठीक है पी फोर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एयर का एयर एयर मतलब किसके साथ रिएक्शन होता है एयर मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन नो बेटा एयर मींस रिएक्शन विद सर मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्ट रहेगा मॉइस्ट रहेगा ठीक है लेकिन ठीक है बेटा अभी तुम लोग का कंबसन नहीं हुआ है ना अच्छा ठीक है याद रखना जब भी हम लोग बता रहे हैं ना एयर के साथ रिएक्शन तो एयर के साथ रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ओके सर जनरली जनरली एयर के साथ रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सम कुछ जगहों पे ये नाइट्रोजन भी हो जाता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकिन जनरली एक्सपोज टू एयर मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसी को डाउट है नो सर देखो अब क्यों क्यों बता रहे इसको भी समझ लो हम लोग के आसपास जो भी एटमोस्फियर है उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने परसेंटेज सर 71% बोलते नहीं 71 नहीं 78 ना तो 78% हाँ और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है 21% 21% ठीक है यहाँ पर है ऑक्सीजन और सर अदर्स 1% और बाकी अदर्स 1% देखो एयर के साथ रिएक्शन मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है उसका मतलब इतना अमाउंट में वो प्रेजेंट है ना तो उसमें एक एटीट्यूड है वो बोलता है हम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे अब अंबानी जितना भी बड़ा हो जाए किसी के साथ वो बिजनेस करता है ना तो बहुत कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स है सिलेक्टेड एलिमेंट से जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ठीक है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सबके साथ बिजनेस करता है सबके साथ रिएक्शन करता है उसका कोई इतना एटीट्यूड नहीं है इसीलिए जब भी एक्सपोज टू एयर बताया गया मतलब सबसे पहले कॉन्टेक्ट में कौन आता है ऑक्सीजन आता है बात तो क्लियर हुआ यस सर ठीक है तो इसीलिए जब भी एक्सपोज टू एयर बोला जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसको दिमाग में रखना एकदम याद रखना आएगा तुम तो नेक्स्ट चैप्टर्स में ये बहुत काम आएगा वहां पर भी बताएंगे तो देखो फास्फोरस तो ऐसे लिखा जाता है रिएक्शन में P4 विद फोर फास्फोरस एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर चार फास्फोरस एटम एक साथ कंबाइन होकर है P4 O2 के साथ रिएक्शन किया और ये बन गया सर P2O4 नहीं P4O10 सर 10 हाँ P4O10 सर O10 कैसे हुआ O10 कैसे हुआ अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है सर 2 यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सर 10 10 और लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है सर 2 तो हम तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए सर 8 नहीं ऑक्सीजन 10 है इधर 2 है सर 5 तो यहाँ पे 5 बिठा दो ओके सर समझ में आया हाँ सर इधर 10 है इधर 2 है मतलब 2 तरफ तो 5 बार चाहिए 2 2 2 2 2 तो 5 इस बार में बिठा दिए तो हो गया P4O10 ठीक है सर ठीक है तो याद रखना जो नॉन मेटल क्लासिफायर इन
when exposed to open air, that is phosphorus, and this is the reaction. ठीक है, ये reaction भी note down करते रहो. हो गया? यस सर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द गैस दैट बर्न्स विल पॉप फ्रॉम. सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सर. सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एकदम सही. सब बच्चे सही आंसर दे दो. बहुत अच्छी बात, तुम लोग पढ़ाई चलते हो घर में. चलो बहुत अच्छी बात है. आंसर इज हाइड्रोजन. ठीक है, एच टू लिख लो. सिंपल सा क्वेश्चन है. पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन. Yes, sir. Okay. Okay. हो जाना चाहिए. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कोई लॉजिक ज्यादा नहीं है. हाइड्रोजन पॉप सॉन्ग. चलो नेक्स्ट. व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बेसिकली व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, चलो बताओ. आर दिया हुआ है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सर एग्जांपल देके मतलब कर ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता. ठीक है, बताओ क्या पता है बताओ. सर मतलब जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो वीक एलिमेंट का जगह लेके उसको डिस्प्लेस कर देता है. ओके ठीक है, और किसी को कोई बोल कुछ बोलना है. बातियों का क्या पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. सर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव सर द मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल. ओके वेरी गुड, एकदम सही बात है बेटा. ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive metals and less reactive non-metals also. ठीक है? Yes sir. Non. तो हमने क्या लिखें था आंसर? The reaction in which. चलो लिखें थे मेरे साथ. सर रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरा मेटल सॉरी एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है. हाँ हाँ, हमने डेफिनेशन ऐसे लिखें थे. The reaction in which more reactive metal displaces less reactive element. लिख दिए ठीक है, ब्रैकेट में मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकता है. ठीक है, इस पॉल displacement reaction. तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना वही मेरा डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव नहीं कर सकता है. मोर रिएक्टिव मतलब उसका पावर ज्यादा है, लेस रिएक्टिव मतलब पावर कम है. तो अभी बात को ऐसे समझो, मान लो ये एक कोई पर्सन है. दिस इज एनीवन ए बी सी डी. सपोज ये एक पर्सन है जिसका दो पैर है. ठीक है, दो हाथ है. ये पर्सन है ए, और इधर
दो छोटे छोटे पर्सन है। ठीक है, और इन दोनों का हाथ बंधा हुआ है। दिस इज बी एंड सी, एथी कंपाउंड है जिसको बोला जाता है सॉल्ट। अच्छा यहाँ पर और एक वर्ड ऐड कर दो, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यहाँ पर ऐड कर दो फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब दोनों जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी देखो ये मोर पावरफुल है ना, तो ये इजीली बी को हटा दे सकता है। यस सर। और उसका प्लेस ले ले सकता है। तो बी अकेला पड़ दिया, बी तो जब हटा दिया तो बी अकेला हो गया, दिस इज बी। तो अभी सी किसके साथ बॉन्डेड हो गया, अभी सी बॉन्डेड हो गया सर ए ए के साथ। अगर मान लो ऐसा होता कि ये मेरा छोटा सा एक पर्सन है जो कि अकेला है, और इधर एक बड़े सा तो एक पर्सन के साथ कोई तो जुड़ा हुआ है, तो उसको तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता ना, ये दिया इसको रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अब ये मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। इसको हटा देता, कहां से हटाएगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सॉल्ट मतलब ये एक सॉल्ट है जहां पर एक मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर दो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसे सॉल्ट बोला जाता है। तो हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, आंसर लिखो, ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, ये इंसान नहीं ड्रॉ करना है, तुम लोग सिर्फ आंसर लिखो, फिर हम एग्जांपल देते समझा दे। ओके सर। आंसर लिख लो तो बताओ। सर हो गया। ओके चलो देखते हैं। देखो मेटल एक्टिविटी सीरीज तुम लोग पढ़े हो ना, मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब हो चुका है तो मेटल एक्टिविटी सीरीज पता है? यस सर पता है। पता है, चलो देखो वहां पर से एग्जांपल उठा रहे, तुम तो दिया दिया दो तीन मेटल दे रहे, चलो जिंक आयरन और कॉपर, व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव इन दिस थ्री? सर जिंक। जिंक देन सर आयरन देन कॉपर। तो देखो मान लो रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है कि आयरन प्लस ZnSO4 प्रोडक्ट बन रहा है FeSO4 सर प्लस Zn प्लस Zn। तो यहाँ पर देखो दिस इज सॉल्ट बिकॉज यहाँ पर एक एलिमेंट क्या है जिन, और मेटल के साथ कोई एक नॉन मेटलिक पोर्शन जुड़ा हुआ है, दिस इज सॉल्ट। अब बताओ आयरन और जिंक में व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? सर जिंक। जिंक दिस इज लेस रिएक्टिव। सर मतलब ये रिएक्शन होगा नहीं? ये रिएक्शन होगा नहीं, वेरी गुड। ये रिएक्शन पॉसिबल है? नो सर नहीं है, बिकॉज लेस रिएक्टिव मेटल तो अकेला बैठा हुआ है, वो मोर रिएक्टिव मेटल तो थोड़ी हटाएगा, दैट मींस यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन मान लो Zn प्लस FeSO4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहता तब तो हो सकता था, आराम से होगा बेटा। देखो अगर हम लोग जीन प्लस FeSO4 ले लेंगे तो मेरा यहाँ से Fe अलग हो जाएगा प्लस ZnSO4 और ZnSO4 फॉर्म करेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर।
चलो नीचे हम और एक रिएक्शन लिख रहे, दो रिएक्शन लिख रहे, तुम्हें बताओ दे दी ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। Fe plus CuSO4 ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस सर है। क्या होगा प्रोडक्ट? यस सर प्लस ऊपर ओके FeSO4 प्लस Cu प्लस Cu। चलो सब तो याद नहीं कर रहे हो, सब तो याद नहीं कर रहे तो बताओ हाँ यस ठीक है ओके। अब बताओ ये वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कॉपर प्लस ZnSO4? नो सर नहीं होगा सर, नहीं होगा। वेरी गुड, नो रिएक्शन। हाँ नो रिएक्शन, वेरी गुड, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। अब जो मोर रिएक्टिव है वो तो ट्रैप हो चुका है सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ, तो उसका तो हटा पाना लेस रिएक्टिव के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ ये अगर फ्री होता तो वो हटा देता, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को हटा देता है। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं जहाँ पर मेटल नॉन मेटल को हटा रहा है, ठीक है। ये तो मेटल नॉन मेटल को हटा रहा है, इसका एग्जांपल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका एग्जांपल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं मैग्नेशियम प्लस HCl, क्या प्रोडक्ट हुआ था एकदम फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताए थे? इट विल प्रोड्यूस सर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीशियम क्या किया है, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसका पोजीशन ले लिया। This is also displacement reaction, na? Yes, sir. अब अगर metal activity series याद तो नहीं दें, तो देखो तो magnesium hydrogen से more reactive है। हाँ sir. Sir hydrogen मतलब metal reactivity series में तो hydrogen मतलब hydrogen के ऊपर जो जो वो सर क्या बोलते हैं सर मतलब वो सब more reactive है। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। बस तो मैग्नीशियम मेरा मोर रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर जो नॉन मेटल तो वो डिस्प्लेस कर रहे, तो हम लोग जो डेफिनेशन में लिखे कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive element which can be metal and non-metal both. So here are the two examples of where metals react displaces one metal and in the other case metal displaces another non-metal. Is there any doubt in this? No sir. Okay. समझ में आ रहा है ना? हाँ sir. बहुत अच्छी बात है, चलो चलो note down करो जल्दी से reactions. सर हो गया है नोट डाउन। ओके बहुत अच्छी बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विव वन यूज ऑफ नॉन मेटल इन आवर डेली लाइफ, चलो बताओ कोई भी एक नॉन मेटल का हमने तो डेली लाइफ में यूज किया है। सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या यूज है बेटा? सर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ओके तुम बता दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज होता है हम लोग का ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन में भी तो यूज होता ना, हाँ रेस्पिरेशन में भी यूज होगा, फिर ज्यादातर कंबशन में यूज होता है, ठीक है तो बहुत सारे फिर ज्यादा देखो ऑल इन नॉन मेटल अगर हम लोग बताए कार्बन, कार्बन का डेली लाइफ में क्या यूज है? सर फ्यूल, फ्यूल वेरी गुड, और एक याद रखो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हम लोग जो जिंदा है ना हम लोग तो बॉडी भी कार्बन से बना हुआ है, जो
ट्री, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स हैविंग कार्बन, दैट्स मीन विदाउट कार्बन वी कांट एग्जिस्ट। ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है ना, हम लोग बोलते हैं 75% वाटर से कवर अप है, ठीक है 75% वाटर है, लेकिन जो बॉडी का जो सेल्स है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन से लिविंग थिंग्स बनता है, एनिमल प्लांट्स सारे, ठीक है, हम लोग तो लिख देना नॉन मेटल, ठीक है, यस सर, ओके नोट डाउन करो। हो गया, सर ऑल लिविंग थिंग्स मतलब कार्बन, ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर रहता है कि कार्बन से बना हुआ होता है, वही बात है बेटा, सब के अंदर मतलब कार्बन से बना हुआ, मतलब उसके अंदर कार्बन है ना, यस सर, सर हो गया, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are metalloids? कौन बताएगा आंसर? सर एक बार 13 नंबर क्वेश्चन दिखाइए। ओके डाउन। Thank you, sir. Okay, welcome. Next, what are metalloids? बताओ। Sir, liquid metal. Liquid metal नहीं, metalloids liquid metal कहाँ से आया? Liquid metal is the another state of metal. Metalloids, sir, the property between metal and non-metal. ठीक है। Sir, metal और non-metal मतलब दोनों। ठीक है समझ गए, और कोई कुछ? सर द एलिमेंट्स दैट आर नॉट मेटल्स बट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है हम लोग ऐसे बोलेंगे मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन व्हिच properties of both the metals and non-metals are present, ऐसा element जिसमें metal का भी property है और non-metal का भी property है। यस सर हम भी सर यही बोल रहे थे लेकिन हम इसको सजा नहीं पा रहे थे। हाँ एकदम सही बात है, हम समझ रहे बेटा तुम वही बोल रहे हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, जो वो सारे एलिमेंट जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल, मतलब वो मेटलिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। सर कार्बन? नहीं बेटा कार्बन इज प्योर नॉन मेटल, वो तभी मेटलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। चलो बता दे रहे बोरॉन दैट इज बी, देन सिलिकॉन दैट इज, सर तो पहला एग्जांपल क्या है? क्या बोले सर? मतलब बोरॉन अगर कुछ हम ये बोलेंगे तो वो मेटलॉइड है। हाँ बोरॉन मेटलॉइड है सर, मेटल भी नहीं नॉन मेटल भी नहीं मेटलॉइड। हाँ बोरॉन मेटल नहीं है नॉन मेटल नहीं है, वो मेटलॉइड है, मतलब उसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी शो होता है नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो होता है, ठीक है सर।
बोरोन सिलिकॉन फिर जाते हैं हम लोग तो ले सकते गैलियम, ठीक है गैलियम दैट इज जीए, फिर जाकर होता है और मर्क्यूरी होगा क्या? हाँ मर्क्यूरी सर क्योंकि वो लिक्विड में रहता है ना। नहीं 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 मर्करी मेटल है, वो लिक्विड होने से भी वो एक्सेप्शन था याद करो, वो सिर्फ स्टेट का एक्सेप्शन था लेकिन उसमें कोई नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेटल है मर्करी मेटल है। आर्सेनिक होता है आर्सेनिक एस, ठीक है इतना एग्जांपल्स याद रख लेना मेटलॉइड्स का, बोरॉन सिलिकॉन गैलियम आर्सेनिक। ठीक है बच्चों कोई डाउट है इसमें? सर मीथेन क्या होता है? कौन सा मीथेन? हाँ कंपाउंड एक एलिमेंट है। नहीं मीथेन कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर बताते रहे मीथेन कंपाउंड है, वो बना हुआ होता है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, CH4 उसको बोलते हैं, ठीक है थीते? ये एक गैसियस कंपाउंड है, मीथेन इज गैसियस कंपाउंड, ठीक है। तुम्हारे घर में है मीथेन गैस पता है कहाँ पर? नहीं सर नहीं पता। अच्छा घर में नहीं होगा, ठीक है हाँ, लेकिन तुम लोग देखे होगे मीथेन गैस कहाँ यूज होता है। मीथेन गैस यूज होता है CNG प्रिपरेशन में। CNG पता है क्या होता है? यस सर क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ यूज होता है CNG का? फ्यूल के फ्यूल में है, ठीक है। अभी तो ज्यादातर क्या होता है CNG ऑटो आ रहा है, CNG कार आ रहा है, यस सर। तो CNG जो बनता है ना वो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम लोग बता रहे हैं, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, तो कौन सा नेचुरल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं? मीथेन को कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग मीथेन होते है। तो मीथेन इज नॉट एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड एंड इन गैसियस फॉर्म। ओके थैंक यू सर। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर। ठीक है ठीक है चलो आज के लिए क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। उठो बच्चों।